स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के धर्म अरण्य महत्व में सदाचार शौच स्नान संध्या तर्पण बड़ी वैश्य देव आदि का महत्व। व्यास जी कहते हैं धर्म अरण्य में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी पवित्र तथा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। चार प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम हैं। प्राणधारियों में भी जो बुद्धजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, उनसे भी विद्वान, विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, कर्मठों से भी ब्रह्मप्रायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठर, ब्रह्मप्रायण पुरुषों से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को सब प्राणियों का स्वामी बनाया है, इसलिए संसार में जो कुछ है सबका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। सदाचारी ब्राह्मण ही सब कार्यों एवं अधिकारों के योग्य होता है। जो आचार से भ्रष्ट हो गया है वह योग्य कदापि नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित उत्तम बुद्धि वाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं उसी को विद्वानों ने धर्म मूलक सदाचार कहा है। जो अच्छे लक्षणों से हीन है उस मनुष्य को भी चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं अदोष दर्शी होकर भली भांति सदाचार का पालन करे। ऐसा करने से वह 100 वर्षों तक आयु भर जीवित रह सकता है। अपने अपने वर्म आश्रमोचित कर्मों में वेदों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म मूलक सदाचार का आलस्य छोड़कर सेवन करें। दुराचारी मनुष्य संसार में निंदनीय होता है, साथ ही वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर अल्पायु तथा सदैव अतिशय दुख का भागी होता है। जिस कर्म के करते समय अंतर आत्मा में सहज प्रसाद निम्रता तक उदय होता है उसी कर्म को करना चाहिए, इसके विपरीत कर्म नहीं करने चाहिए। धर्म की इच्छा रखने वाले पुरुष को यम नियमों के पालन के लिए ही विशेष यत्न करना चाहिए। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्था त्याग, मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर वर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, सिद्धाय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रियों का दमन, ये 10 नियम बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन 6 वैरियों को जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरों को कष्ट न देते हुए परलोक में सहायता देने वाले धर्म का धीरे धीरे संग्रह करें। यदि धर्म की भली भांति रक्षा की जाए तो वही परलोक में सहायक होता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधु जनों से भी बढ़कर मनुष्य का सहायक धर्म ही है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही चला जाता है, अकेला पुण्य भोगता है और अकेला ही पाप का उपभोग करता है। मृत्यु हो जाने पर इस शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग कर भाई बंधु मुंह फेर लेते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ केवल उसी का धर्म ही जाता है, अतः धर्म का संग्रह अवश्य करें। धर्म ही इस लोक और परलोक में सहायक होता है। धर्म की सहायता पाकर जीव नरक के दुष्तर अंधकार से पार हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष सदा उत्तम उत्तम पुरुषों के साथ संबंध जोड़े, अधम कोटि के मनुष्यों का संग छोड़कर अपने कुल को उन्नतिशील बनावे। सद्धर्म के पालन से ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जो सिद्ध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है, आलसी और दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज कष्ट देते हैं। अतः ब्राह्मण प्रयत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। रात्रि के अंत में आधे पहर का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है।
उस समय उठकर विद्वान पुरुष सर्वदा अपने हित का चिंतन करे। फिर गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता, वशिष्ठादि मुनि, गंगा आदि नदियाँ, श्री शैल आदि पर्वत, क्षीर सागर आदि समुद्र, मानसरोवर आदि तड़ाग, कामधेनु आदि गौ तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त पुरुषों का स्मरण करे। माता के चरण सब तीर्थों से भी अधिक उत्तम हैं, अतः उनका स्मरण करके पिता और गुरु का भी हृदय में ध्यान करे। तत्पश्चात आवश्यक कार्य शौच आदि करने के लिए नैऋत्य कोण की ओर जाए। गांव से 100 धनुष दूर जाना चाहिए और नगर से 400 धनुष। वहाँ तिनके से पृथ्वी को आच्छादित करके अपने मस्तक को भी कपड़े से अच्छी तरह ढक ले। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मौन भाव से बैठकर मन मूत्र का त्याग करें। उत्तर की ओर मुख कर बैठने का नियम दिन में और दोनों संध्याओं के समय रात्रि में शौच आदि के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। खड़े होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करें, इस कार्य में जल्दबाजी भी नहीं हो। ब्राह्मण, गौ, अग्नि तथा आती हुई वायु की ओर मुंह करके भी शौच के लिए ना बैठे। फाल से जोती हुई भूमि में, सड़क पर और उठने बैठने के योग्य भूमि में मलमूत्र का त्याग नहीं करें। मल सर के समय चारों दिशाओं की ओर ना देखें, ग्रह और नक्षत्रों की ओर भी दृष्टि नहीं डालें, ऊपर आकाश की ओर नहीं ताकें, मल की ओर भी दृष्टिपात नहीं करें। मल त्याग के पश्चात मनुष्य कंकड़ आदि से रहित चिकनी मिट्टी ले। ये मिट्टी चूहों की खोदी हुई या अशोच से बनी हुई या केश आदि से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बाएं हाथ में कुदा में एक बार मिट्टी लगाकर उसे जल से धो डालें। इसी प्रकार 5 बार मिट्टी लगाकर कुदा को धोएं। एक एक बार दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर धोएं और दोनों हाथों को 3-3 बार मृत का लेपन पूर्वक धोएं। ग्रस्त पुरुष इसी प्रकार शौच की वृद्धि करे। जब तक मल का लेप और दुर्गंध मिट ना जाए तब तक उसे धोना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः 2 गुने शौच का विधान है। दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए, प्राय गांव में उससे आधा और मार्ग में उससे भी आधे शौच का विधान है। रोगी के लिए उससे भी आधे शौच का नियम है, परंतु जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए तब शौच संबंधी नियमों के पूर्ण पालन में कमी नहीं करे। हाथ पैरों की शुद्धि के लिए के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि में बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके जल से कुल्ला करे। उस जल में भूसी, कोयला, अस्थि एवं भस्म का संसर्ग नहीं रहना चाहिए। अत्यंत शुद्ध एवं स्वच्छ जल से आचमन करे। आचमन में इतना जल पिए कि वह हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तीर्थ से आचमन करे। आचमन के लिए जल लेते समय उसे भरी भांति दृष्टि डालकर देख लें, वह पवित्र हो तभी उसका उपयोग करें। यदि दोनों पैरों को ना धोएं तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्धि रहता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आँख, कान आदि इंद्रियां छिद्रों को स्पर्श द्वारा शुद्ध करे। अंगूठे के मूल भाग से अपने होठों को पूछे। जल से हृदय का स्पर्श करके समस्त उंगलियों से मस्तक का स्पर्श करे। जल से ही उंगलियों के अग्रभाग से दोनों कंधों का स्पर्श करे। सड़क या गली में घूम आने पर आचमन किया हुआ मनुष्य भी फिर आचमन करे। स्नान, भोजन और जलपान करने पर, शुभ कर्म के प्रारंभ में, सोकर उठने पर, वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर, कोई मांगलिक वस्तु दिख जाने पर तथा भूल से किसी अपवित्र वस्तु को छू लेने या उसकी याद कर लेने पर 2 बार आचमन करने से मनुष्य शुद्ध होता है। तंत्र धर्मशास्त्र में बताए हुए नियमों के अनुसार दंत धावन करें, क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य भी यदि दंत धावन ना करे तो वह अपवित्र ही माना जा गया है। प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नमी एवं रविवार को काट की दातन नहीं करें।
जिस दिन दातन निषिद्ध है उस दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। क्रिष्टा अंगली के बराबर मोटी 12 उंगल लंबी हरी गीली लकड़ी जिसका छिलका उतारा ना गया हो तथा जिसमें छेद या रोग नहीं हो दातन के लिए उपयुक्त मानी गई है। दंतावन का काष्ट का अग्रभाग 1 उंगल तक छुपाना चाहिए। फिर उसी के कूचे से दांतों को रगड़कर साफ करना चाहिए और जल से कुल्ला करना चाहिए। शीर शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ तालाब या नदी का जल मिल जाए तो विशेष उत्तम है। शीर के 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है, अतः वे सदा मलिन हैं। प्रातःकाल स्नान करने से इनकी शुद्धि होती है। प्रातःकाल का स्नान प्रजापत्य व्रत के समान पापनाशक माना गया है। वह उत्साह मेधा सौभाग्य रूप तथा संपदा को बढ़ाने वाला है। वह दरिद्रता पाप ग्लानि अपवित्रता दुस्वप्न का नाश करने वाला है तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला है। निरीप श्रेष्ठ, अब मैं प्रसंगवश स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने विधि पूर्वक किए हुए स्नान का महत्व साधारण स्नान से 100 गुना अधिक बताया है। विशुद्ध कुशा लेकर पितृ स्थान पर रखें और आचमन करके स्नान करें। हाथ में कुश लेकर शिखा बांधकर जल के भीतर प्रवेश करें और अपने शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान करें। इस प्रकार स्नान कार्य समाप्त करके वस्त्र निचोड़कर 2 नूतन वस्त्र पहन धारण करें। फिर आचमन करके कुश हाथ में लिए हुए प्रातःकाल की संध्या करें। अपने मन को दृढ़तापूर्वक संयम में रखकर प्राणायाम करने वाला ब्राह्मण दिन और रात में किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। यदि मन को संयम में रखकर 10 या 12 बार प्राणायाम कर लिया जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पुरुष ने बड़ी भारी तपस्या कर ली। व्याहुति और प्रणव के साथ किए हुए 16 प्राणायाम यदि प्रतिदिन होते रहें तो 1 मास में भ्रूण हत्या करने वाले पापी को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे पार्थिव धातुओं का मल आग में तपाने से जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए 2 प्राणायाम से भस्म हो जाते हैं। नरीप श्रेष्ठ, प्रणव पर ब्रह्म है, प्राणायाम उत्तम तपस्या है और गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र करने वाला मंत्र नहीं है। मनुष्य मन वाणी और क्रिया द्वारा रात में 100 पाप करता है, वे प्रातः संध्या की उपासना करते ही प्राणायामों के द्वारा शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार मन वाणी और क्रिया द्वारा दिन में जो पाप किया जाता है उसे सायंकाल की संध्या उपासना में प्राणायामों के द्वारा नष्ट कर डालता है। सायंकाल की संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पाप का नाश करता है। जो प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या नहीं करता वह समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से शूद्र की भांति बाहर कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करें। फिर आपो इष्टा मेव भू इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। पृथ्वी पर, मस्तक पर, आकाश में, पृथ्वी पर, आकाश में, मस्तक पर, मस्तक पर, आकाश में और भूमि पर इस तरह 9 बार 9 स्थानों में जल छिड़कना चाहिए। यहाँ भूमि या पृथ्वी शब्द से 2 चरण लिए गए हैं। आकाश का अर्थ हृदय माना गया है और सिर या मस्तक शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ में ही है। इस प्रकार इन्हीं अंगों का मार्जन उक्त मंत्रों द्वारा बताया गया है। स्नान 6 प्रकार के होते हैं। पहला है वारुण स्नान, जो जल से क्रिया हुआ स्नान है उसको वारुण स्नान कहते हैं। दूसरा है आग्नेय स्नान, अग्नि की लपटों से अपने अंगों को तपाना या सर्वांग से धूप सेवन करना, इसको आग्नेय स्नान बोलते हैं। तीसरा है वायव्य स्नान, अर्थात स्वच्छ वायु का सेवन करना। चौथा है ऐन्द्र स्नान, अर्थात वर्षा के जल से नहाना। पांचवा है मंत्र स्नान, अर्थात मंत्र उच्चारण द्वारा श्रवण से अपने को शुद्ध करना। और छठा है ब्रह्म स्नान, अर्थात वेद मंत्रों द्वारा मार्जन या अभिषेक।
इनमें पूर्वक सभी स्नानों की अपेक्षा ये ब्रह्म स्नान मार्जन अधिक उत्तम है। जो ब्रह्म स्नान की विधि से स्नान करता है वे बाहर और भीतर से भी शुद्ध हो जाता है तथा सर्वत्र देव पूजा आदि कर्म में सम्मिलित होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इससे अंतः शुद्धि एवं भाव शुद्धि हो जाती है। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता। जो भाव से दूषित है वह सैकड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं होते हैं। जिनका चित्त निर्मल है उसी ने सब तीर्थों में स्नान किया है, वही सब प्रकार के मलों से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान भी किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वो बतलाता हूँ, सुनो। यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाएं तो चित्त शुद्ध होता है। अतः चित्त की शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह इस शरीर का त्याग करके करने के बाद पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त मार्जन करने के अंतर द्रुपदादि ममोचान इत्यादि मंत्र का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करे और उस जल को सिर पर छिड़क ले। इसके बाद हाथ में जल लेकर विविध पुरुष रितिंच सत्यंच इत्यादि मंत्र के द्वारा अघमर्षण करें। जो विद्वान जल में गोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करता है अथवा स्थल में भी बैठकर हाथ में जल लेकर अघमर्षण मंत्र का जप करता है, उसकी पाप राशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। अघमर्षण के पश्चात प्रणव तथा महाव्याहुति के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हुए खड़े होकर सूर्य के लिए 3 अंजलि जल दे। वे जल वज्र के समान होकर उसने प्राप्त होता है और उसके द्वारा संबंधे नामक राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो कि प्रताकार शरीर धारण करके सूर्य के तेज को आच्छादित किया करते हैं, प्रातःकाल गायत्री मंत्र करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य का दर्शन ना हो जाए। इसी प्रकार सायंकाल में बैठकर तब तक गायत्री जप करना चाहिए जब तक नक्षत्रों का दर्शन ना होने लगे। अपना हित चाहने वाले द्विज को संध्या वासना के काल का लोप नहीं करना चाहिए जब सूर्य का आधा उदय या आधा अस्त हुआ हो। उस समय उनके लिए अंजलि का वज्रोदक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की हुई संध्या भी समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बाएं हाथ जल में डालकर द्विजों द्वारा जो संध्या की जाती है वह वृश्री अर्थात शूद्रा जानने योग्य है। वह राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्य अर्घ देने के पश्चात अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार सूर्य का उपस्थान करें। 1000 अथवा 100 अथवा 10 बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्य उपस्थान करना चाहिए। जो अधिक से अधिक 1000, मध्यम श्रेणी में 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता है वे पापों में लिप्त नहीं होता। लाल चंदन मिश्रित जल, फूल और कुशों के द्वारा वेदोक्त अथवा आगमोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिसने भगवान सूर्यदेव का पूजन किया उसने 3 लोकों की पूजा कर ली। भगवान सूर्य पूजित होने पर पुत्र पशु और धन देते हैं, रोग हर लेते हैं, पूरी आयु देते हैं और मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार संध्या उपासना पूर्ण होने पर अपनी शाखा में कही हुई विधि के अनुसार चंदन अग्रो कपूर सुगंधित पुष्प एवं शुद्ध जल से तृप्यंतु का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा आदि देवताओं मरीचि आदि मुनियों तथा अन्य ऋषि देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। निवेति होकर अर्थात यज्ञोपवीति को गले में माला की भांति करके सनक आदि मनुष्यों को जो मिले हुए जल से तर्पण करें। ये तर्पण सीधे एम उत्तम अग्र कुश द्वारा प्रजापत्य तीर्थ से होना चाहिए। फिर प्राचीन विधि होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके दोहरे मुड़े हुए कुशों एम तिल मिश्रित जलते हुए पित्त तीर्थ से कव्याव
अनल आदि दिव्य पितरों का तर्पण करें। रविवार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सप्तमी तिथि रात्रि एवं दोनों संध्या काल में कल्याण की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण कभी तिल से तर्पण नहीं करे। यदि करना ही पड़े तो सफ़ेद तिलों से ही तर्पण करे। तत्पश्चात 14 यमों का नामों का उच्चारण करते हुए उनके लिए तर्पण करे। यम तर्पण के बाद अपना बाया घुटना जमीन पर रखकर मौन होकर अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पितरों का पितृ तीज से प्रसन्नतापूर्वक तर्पण करे। तर्पण में देवता एक एक अंजलि, स्नक आदि दो दो अंजलि और पितर तीन तीन अंजलि जल चाहते हैं। पितृवर्ग में जो स्त्रियां हैं वे एक एक अंजलि जल की इच्छा रखती हैं। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है, उंगुलियों का मूल भाग ऋषि तीर्थ है, अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ है और हाथ के बीच में प्रजापति तीर्थ है। अंगुष्ठ और तर्चनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो भी देवता ऋषि मनुष्य पितर पिता माता माता में आदि हैं वे सब तृप्त हों ऐसा कहकर अथवा और भी जो वैदिक या पौराणिक मंत्र हैं उनका उच्चारण करके पितरों का सांग तर्पण करना चाहिए। वह पितरों को सुख देने वाला होता है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके वेद अभ्यास करना चाहिए। वेद अभ्यास 5 प्रकार का किया जाता है। पहला स्वीकार अर्थात गुरु से ग्रहण, दूसरा अर्थ विचार, तीसरा मंत्र पाठ का अभ्यास, चौथा तप अर्थात वेद के अनुसार आचरण और पांचवा है शिष्यों को पढ़ाना। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए यह द्विजातियों का प्रातःकालिक कृत्य माना गया है। अथवा प्रातःकाल उठकर शौच आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर हाथ पैरों की शुद्धि एवं आचमन करके दंत धावन करें, सारे शरीर की शुद्धि करके प्रातः संध्या करें, वेदार्थों का विचार करें, नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़े और अपने हित में लगे हुए पित्र एवं बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ावे तथा योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण ले। तत्पश्चात मध्यान्ह काल के नियमों की सिद्धि के लिए पुनः पूर्वक रीति से स्नान करें। स्नान करके मध्यान्ह संध्या करें, देवता की पूजा करके नैमित्तिक कृत्यों का पालन करें, अग्नि को प्रज्वलित करके बड़ी वैश्य देव करें, निष्पाव कोदो उड़द मटर और चना का वैश्य देव होम में त्याग करें, तेल का पका हुआ बिना पका तथा नमक मिलाया हुआ सब अन्न छोड़ दे, अरर मसूर गोल धान्य से बना हुआ भोजन दूसरे के खाने से बचा हुआ भोजन तथा बासी अन्न को भी वैश्य देव होम में त्याग दें। हाथ में कुश धारण करके आचमन और प्राणायाम करें, फिर पृष्ठो दिवे इत्यादि मंत्र से 2 बार अग्नि का प्रयुक्षण करके कुशास्त्रण करें, फिर वैदिक मंत्र से अग्नि को अपने अभिमुख करके गंध पुष्प तथा अक्षत आदि के द्वारा पूजा करें, फिर अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष होम करें। राह चलने वाला पथिक जिसकी जीविका नष्ट होगी वो ऐसा पुरुष, विद्यार्थी गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये 6 धर्म भिक्षुक माने गए हैं। चंडाल और कुत्ते को भी दिया हुआ अन्न निष्फल नहीं होता, अतः अन्न की याचना करने के लिए कोई आवे तो उसके अपाय होने का विचार नहीं करना चाहिए। कुत्ते पतित चंडाल पापरोगी काक और कीड़ों के लिए घर से बाहर पृथ्वी पर अन्न डाल देना चाहिए। कमों को अन्न का भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर वायव्य और नैऋत्य कोण में रहने वाले जो कौवे हैं वे सब भूमि पर मेरे द्वारा समर्पित किए हुए अन्न के ग्रास को ग्रहण करें। इस प्रकार पंचभूतों के लिए बलि अर्पण करके जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर तक किसी अतिथि के आने की राह देखें। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन देने के लिए रसोई घर में प्रवेश करें, काक बलि ना करके नित्य श्राद्ध करें,
नित्य श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन करावें, पितृयज्ञ के लिए जल निकाल कर देवें। नित्य श्राद्ध विश्व देव तथा नियमों से रहित होता है, उसमें दक्षिणा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। यह नित्य श्राद्ध दाता और भोक्ता दोनों को परम तृप्त करने वाला है। इस प्रकार पितृयज्ञ करके स्वस्थ बुद्धि से आतुर भाव का परित्याग करके पितृ आसन पर बैठकर भोजन करें। उत्तम गंध से युक्त माला और 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्न चित्त होकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन करके भोजन के बाद भी आचमन करना चाहिए। नीचे और ऊपर से जल द्वारा आच्छादित होने के कारण अन्न नग्न नहीं रहता। इस प्रकार आचमन की विधि से उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भोजन करे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर 3 ग्रास बलि अर्पण करे, फिर उसके ऊपर जल गिरा दे। तत्पश्चात 1 बार आचमन करके प्राण अग्निहोत्र करे। प्राणाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से अपने उदर कुंड की अग्नि में अन्न की 5 आहुतियां डाले। उस समय हाथ में कुश की पवित्री पहने रहे और चित्त को प्रसन्न रखे। जो अपने 1 हाथ में कुश धारण किए हुए दूसरे हाथ से भोजन करता है, उसे केश और कीट आदि के स्पर्श से उत्पन्न दोष नहीं लगता, अथवा कुश धारण पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहें, दांतों को परस्पर रगड़े नहीं। धोने योग्य जूठे हाथ के अंगूठे के मूल से जल गिराते हुए रोरव नरक के पाप में आश्रय में रहने वाले और उच्छिष्ट जल चाहने वाले नरक पतियों जीवों को अक्षोभ दें। मन में ये भाव रखें कि ये जल उन जीवों को प्राप्त हो। तदंतर आचमन करके पित्र होकर मेधावी पुरुष मुख शुद्धि करके प्राण श्रवण आदि के द्वारा दिन का शेष भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात सायंकाल में पुनः संध्या उपासना करे। इस प्रकार ये नित्य कर्म विधान संक्षेप में बताया गया है। इसका पालन करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता है। स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के धर्म अरण्य महात्म्य में वेदों के अध्याय बरिवैश्य देव, अतिथि सेवा, 8 प्रकार के विवाह, पंचयज्ञ तथा व्यवहारिक शिष्टाचारों का कथन। व्यास जी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुषों के उपकार के लिए जिस प्रकार धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसका मैं यथावत रूप से वर्णन करता हूँ। युधिष्ठर, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है, इसलिए वह मनवांछित लोकों पर अधिकार प्राप्त करता है। देवता, पितर, मनुष्य, भूत, प्राणी, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी और असुर, ये सभी गृहस्थ के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं और उसी से उनकी तृप्ति होती है। युधिष्ठर, ऋक्, साम और यजु इन 3 वेद रूपी शीर वाली एक धेनु है जो सबकी आधारभूत है। उस वेद त्रय रूपा धेनु में ही संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, वही इस विश्व का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद मध्य भाग है और सामवेद उसकी कुक्षी एवं स्तन है। इष्ट, यज्ञ, याग आदि और आपूर्त वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि, ये 2 उस धेनु के सींग है। वेदों के जो उत्तम सूक्त हैं, वे ही इस गौ के रोम हैं। शांति क्रम और पुष्टि क्रम उसके गोबर और मूत्र हैं। अक्षर उसके चरण हैं। पद, क्रम, जटा और घन पाठ के द्वारा वह जगत के लिए उपजीव्य होती है। स्वाहाकार, सौधाकार, वशटकार और इंतकार, ये उस धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार रूपी स्तन को देवता, सौधाकार को पितर, वशटकार को देवता, भूत, ऋषि, मुनि एवं सुरेश्वरगण तथा हंतकार रूपी स्तन को मनुष्य सदा पान करते हैं। इस प्रकार ये त्रय रूपा धेनु संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। जो पुरुष इन वेदों का उच्छेद करने वाला है, वह असंख्य पाप करने वाला मानव अंध तमिस्त्र नामक अंधकार में नरक में डूबता है।
जो इस गौ को अपने देवता आदि बछड़ों से उचित समय पर संयोग कराकर दुग्धपान का अवसर देता है वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन अपने शरीर के ही भांति देवता ऋषि पितर मनुष्य एवं अन्य प्राणियों का पोषण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर ब्रह्म यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। पुष्प गंध और धूप आदि से देवताओं की पूजा करके अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि का तर्पण करें। इसके बाद बलि वैश्य देव करें, राक्षसों और भूतों के लिए आकाश में बलि अर्पण करें और पितरों के लिए दक्षिण अभिमुख होकर अन्न दे। तंत्र ग्रस्त पुरुष एकाग्रचित होकर जल हाथ में लेकर उन सब की आचमन क्रिया के लिए उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्हीं उन्हीं देवताओं का नाम लेकर जल छोड़े। इस प्रकार घर में बलि अर्पण करके ग्रस्त पुरुष पवित्र होकर आचमन करे। तत्पश्चात घर के दरवाजे की ओर देखे और कुछ समय तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो अर्थ और पाद्य के जल से उसका सत्कार करें। खाने की इच्छा से आए हुए थके मांदे अकिंचन याचक ब्राह्मण को अतिथि कहा गया है। ऐसे अतिथि को यथाशक्ति पूजा करके उसके आचरण और सिद्धाई के विषय में प्रश्न ना करें। वह सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथि को देकर जो भोजन करता है वह अमृत भोजन करता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य ले जाता है। अतः साग देकर अथवा केवल जल ही देकर अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य अतिथि का पूजन करे, तभी वह उसके ऋण से मुक्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुनि, 8 प्रकार के विवाह बतलाए जाते हैं। ब्राह्म देव आज प्रजापत्य आसुर गंधर्व राक्षस और पिशाच, इन विवाहों की विधि तथा इनमें करने योग्य कार्य का यथावत वर्णन कीजिए। तो व्यास ने कहा, जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुई अपनी कन्या दी जाती है वह ब्राह्म विवाह है। यज्ञ में धारण किए हुए ऋतिक के लिए जो कन्यादान किया जाता है वह देव विवाह है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो उसको कन्या दी जाती है वह आर्ष विवाह है। जहां वर और कन्या को ये कहकर कि तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्म का पालन करो विवाह बंधन में आबद्ध किया जाता है वह प्रजापत्य विवाह कहा गया है। जहाँ एक दूसरे से मैत्री होने के कारण वर और वधु में स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध हो जाता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर लेने से राक्षस विवाह होता है। सत्पुरुषों द्वारा निंदित है राक्षस विवाह, जो सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। छल से कन्या का अपहरण करने पर पिशाच विवाह माना गया है, ये अत्यंत निंदित है। कन्या के माता पिता को धन देकर जो कन्या खरीद दी जाती है और उससे विवाह किया जाता है ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। ये 8वां जो पिशाच विवाह है वह अत्यंत पापिष्ट है। ऐसे विवाह के पापिष्ट संतानों की ही उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्ण की स्त्रियों से ही पानी ग्रहण करना चाहिए, यह विधि है। धर्म अनुकूल विवाह में धार्मिक एवं 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पैदा होते हैं तथा अधार्मिक विवाह से धर्म रहित मंदभाग्य धनहीन और अल्पायु संतान उत्पन्न होती है। ऋतुकाल आने पर स्त्री के साथ समागम करना गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म है। दिन में स्त्री के साथ समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना गया है। श्राद्ध के दिन तथा सभी पर्वों के दिन बुद्धिमान पुरुषों को स्त्री संग नहीं करना चाहिए।
इन अवसरों पर मुंहवश स्त्री संग करने वाला पुरुष धर्म से गिर जाता है। जो केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करता है और सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखता है, वह सग्रस्त रहने पर भी सदा ब्रह्मचारी ही जानने योग्य है। आर्ष विवाह में जो दो गौ लेने की बात कही गई है वह उत्तम नहीं है, क्योंकि कन्या का थोड़ा भी शुल्क लिया जाए तो वह कन्या विक्रय रूपी पाप का कारण बनता है। कन्या विक्रय करने से मनुष्य एक कल्प तक विष्ठा एवं कृमि भोजन नामक नरक में निवास करता है। अतः कन्या के थोड़े से धन का भी मनुष्य को अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। वाणिज्य नीच पुरुषों की सेवा, वेद धन का अभाव, निंदित विवाह और क्रिया लोभ, ये कुल में पतन के हेतु बनते हैं। ग्रस्त पुरुष वैवाहिक अग्नि में प्रतिदिन गृह कर्म का अनुष्ठान करे, प्रतिदिन पंच यज्ञ का अनुष्ठान तथा पाक यज्ञ करे। ग्रस्त पुरुष से प्रतिदिन पांच प्रकार के हिंसापूर्ण कर्म बनते हैं, ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू। इससे होने वाली पांच प्रकार के हिंसाओं के निवारण के लिए पंच यज्ञ बताए गए हैं। जो ग्रस्त के कल्याण की अभिवृद्धि करते हैं वेद शास्त्रों का सिद्धाय ब्रह्म यज्ञ है, तर्पण पितृ यज्ञ है, होम देव यज्ञ है, बलि भूत यज्ञ है और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। जो बलि वैश्य देव कर्म के भीतर आ जाए अथवा सूर्य के मध्यान काल में आने पर भूख और ताप से संतप्त होकर द्वार पर आ जाए वह अतिथि माना गया है। देवता पितर और अतिथियों को देकर जो ग्रस्त भोजन करता है वह अमृत भोजी है। जो इन सब को अन्न दिए बिना ही भोजन करता है वह केवल अपना पेट भरने वाला है। शास्त्रों में ऐसे मनुष्य को पाप भोजी बताया गया है। जो वैश्य देव से हीन और आतिथ्य से वर्जित हैं वे वेदों के विद्वान हों तो भी उन्हें शूद्र ही समझना चाहिए। जो अधम द्विज बलि वैश्य देव ना करके भोजन कर लेते हैं वे इस लोक में अन्नहीन होते हैं और मरने पर कौवे की योनि में जाते हैं। वे दोक्त कर्म का ज्ञान प्राप्त करके नित्य आलस्य छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन करें तो मनुष्य परम सदगति को प्राप्त होता है। उदय और अस्त होते हुए तथा मध्यान काल के सूर्य को ना देखें। सूर्य ग्रहण के समय तथा उदय के पहले अंडाकार में स्थित सूर्य पर दृष्टिपात ना करें। जल में अपनी परछाई नहीं देखें, कीचड़ में ना दौड़ें, नग्न स्त्री की ओर मत देखें, नग्न होकर जल में नहीं घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गौ, मधु, मिट्टी का ढेर, उत्तम जाति अवस्था में बड़े और विद्या में बड़े मनुष्य, अश्वत्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गुरु जल से भरे हुए खड़े, तैयारन, दही और सरसों आदि को अपने से दायने करके चलना चाहिए। रस वाला स्त्री का सेवन ना करें, स्त्री के साथ बैठकर ना खाएं, एक वस्त्र धारण करके भोजन नहीं करें, जिस पर आराम से बैठ नहीं सके ऐसे आसन पर भोजन नहीं करें। तेज की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र स्त्री की ओर ना देखे। देवताओं और पितरों को तृप्त किए बिना कहीं कदापि अन्न ग्रहण नहीं करें। गौशाला में, बांबी में तथा राख में कभी मूत्र त्याग नहीं करें। जिस गड्ढे में जीव रहते हों उसमें भी पेशाब नहीं करें। खड़े होकर या चलते चलते मूत्र त्याग नहीं करें। ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र और गुरु जन की ओर देखते हुए मलमूत्र का त्याग नहीं करें। मुख से आग नहीं फूके, वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर ना देखें, अपने पैरों को आग में न तपावें और कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में ना डालें तथा किसी भी जीव की हिंसा ना करें। दोनों संध्याओं के समय भोजन नहीं करें। प्रातःकाल और सायंकाल को गोधूलि वेला में विद्वान पुरुष शयन नहीं करें। दूध पिलाती हुई गाय को देखकर भी किसी से ना कहें।
इंद्रधनुष किसी को न दिखावे, कहीं शून्य स्थान में अकेला न सोए, किसी सोए हुए मनुष्य को न जगावे, अकेला रास्ता नहीं चले और अंजलि से जल न पिए, जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही को दिन में ना खाएं, और रात्रि में तो दही का सत्ता निषेध है। रस वाला स्त्री से बातचीत नहीं करें, रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करें, नाचने गाने और बाजा बजाने वाले का प्रेमी ना हो, कांसे के बर्तन में पैर ना धुलावें। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है, उसमें दाता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता और भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरे के पहने वस्त्र और जूते नहीं पहने, फटे हुए बर्तन में ना खाएं और आग से जले हुए आसन पर नहीं बैठे। जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वह गाय बैलों की पीठ पर नहीं चढ़े, चिता का धूम अपने अंग में ना लगने दे, गिरने की आशंका वाले नदी के तट पर नहीं बैठे, उदयकालीन सूर्य की किरणों का स्पर्श नहीं करें और दिन का सोना छोड़ दें। स्नान कर लेने पर शीर का मार्जन नहीं करें, रास्ते में शिखा खोल कर ना है चलें, हाथ और सिर को न कपाएं, पैर से आसन खींच कर नहीं बैठें, हाथ से शीर को ना पोछें और स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी ना पोछें। स्नानकालीन वस्त्र से शरीर पोंछने पर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, उस दशा में पुनः स्नान करने से ही शुद्धि होती है। दांत से कभी नख या रोवे को ना काटे, यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को ना काटे। अपने घर में भी कभी बिना दरवाजे के दीवार फांद कर नहीं जाए, धर्म खाती के साथ नहीं बैठे, कभी नष्ट होकर ना सोए और हाथ में भोजन रखकर नहीं खाएं। हाथ पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाला मनुष्य धीर जीवी होता है। भीगे हुए पैरों वाला मनुष्य शयन नहीं करे, जूठे मुंह कहीं नहीं जाए, शैया पर बैठकर नहीं खाए और ना ही जल पिए, जूता पहने हुए नहीं बैठे, खड़ा होकर पानी ना पीवे, अयोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सब खट्टी वस्तुओं को त्याग दे, झूठे हाथ से सिर का स्पर्श नहीं करे, बूसी अंगार भस्म केश और कपाल के ऊपर खड़ा नहीं हो। पतित मनुष्यों के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है। शूद्र के लिए ऊंचा आसन और यज्ञ ना दे, द्विजों की सेवा करना शूद्रों के लिए परम धर्म माना गया है। दोनों हाथों से फिर सिर खुजलाना नहीं चाहिए, वह शुभ नहीं होता। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए, उसे वेद उपदेश करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मत्व से गिर जाता है और शूद्र भी स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथों से किसी को पीटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र के विपरीत वर्ताव करना और लोभी से दान लेना, ये सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है। असमय में मेघ की गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु में धूल बरसाने वाली आंधी चले और रात्रि में बालकों के रोने की विशेष ध्वनि हो, तब अन्य अध्याय बताया गया है। उल्कापात, भूकंप और दिग्दा अर्थात अग्निकांड होने पर अर्धरात्रि में दोनों संध्या काल में शूद्र के समीप, राज्य के अपहरण होने पर सूतक में, 10 अष्टकाओं में, चतुर्दशी को, श्राद्ध के दिन, पतिव्रता तिथि में,
पूर्णिमा में, अष्टमी में कुत्ते के रोने पर, राज्य भंग होने पर वेद के उपक्रम और उत्सर्ग के दिन, कल्प आदि एवं युग आदि तिथियों में, आरण्यक का अध्ययन पूरा होने पर, बाण और साम की ध्वनि सुनाई देने पर अनध्याय होता है। इन अनध्यायों में कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्राय स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है, अतः पर स्त्री संसर्ग दूर से ही त्याज्य है। शत्रुओं का सेवन भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलें। प्रिय भी असत्य हो तो नहीं बोलें। ये धर्म वेद शास्त्रों द्वारा विहित है। मन और जिहा के विकारों के गुप्तांगों में जो रोए हैं उनका त्याग करें, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैरों के धोवन का जल, मूत्र और पीने से बचा हुआ जूठा जल, थूक अथवा कफ, इन सब को घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्र के जप से, शौच और सदाचार के सोचने के सेवन से तथा दोष रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बूढ़े पुरुषों को यत्न पूर्वक प्रणाम करें, उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दें, उनके सामने नतमस्तक होकर रहें और जब वे जाने लगें तब उनके पीछे पीछे जाएं। वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करें। दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें से 5 ढेला मिट्टी निकाल करके स्नान करें। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर उसे श्रद्धा और विधि के साथ जो धन दिया जाता है वे अक्षय फल देने वाला होता है। भूमिदान करने वाला मंडलेश्वर होता है। अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है। जल देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला हृष्ट पुष्ट होता है। दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। गौदान देने वाला सूर्यलोक का भागी होता है। स्पर्ण देने वाला दीर्घायु और तिल देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में जाता है। घोड़ा देने वाला दिव्य श्री से युक्त होता है। बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाठ करता है। उत्तम प्लंग देने वाले को भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता है, श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धा से दोनों का अधःपतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध पुष्प कुश गो दूध दही साग मधु जल फल मूल ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निष्कृष्ट मनुष्य से भी प्राप्त हो तो ग्रहण करनी चाहिए।